अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडेर रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 43 है। वो कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस अनबैंक कर्व, यानी फ्लैट कंसेप्ट आ रहा है। तो इसका मतलब एक ही कंपोनेंट लेके चलेंगे, विच इज अ बाइसिकल कैन ट्रेवल, अगर उसकी स्पीड इतनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया 0.32, तो आपके पास वेलोसिटी चुके किलोमीटर पर आवर में दी थी, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 8.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नॉर्मल अपवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा, तो वाई एक्सिस के दो ही फोर्सेज हैं, तो एफ एन बराबर आ जाएगा एम जी के। अब आपके पास उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो उसकी फोर्स सामने, फ्रिक्शन अपोजिट आ जाएगी, तो हम कहेंगे एफ सी बराबर है किस चीज के, आपके पास माइनस एफ सी एम एक्स के। तो आपके पास इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए किया है कि आपने उसे लेके चलना है कि वो अन यानी उसी रफ्तार से वो चलती रहे, तो आपके पास इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एफ एस निकाला जा सकता है, म्यू एस एफ एन, एफ एन की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ गई है नेगेटिव, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एम एम से कट जाएगा। अब बाइसिकल स्लिप ना करने की कंडीशन ये है कि वी ओवर आर का टूल इक्वल देन लेस देन इसके, अगर इक्वल होगा तो यानी वो मैक्सिमम स्पीड होगी जिसपे वो स्लिप नहीं करेगा, तो वो रेडियस अब हमने देखना है, तो कितने रेडियस पे जाएगा वो जा सकता है। तो आपके पास वी स्केयर भी हमें पता है, म्यू एस आर जिसको क्रॉस कर दिया है, अब v की वैल्यू 8.1 हमने निकाल ली थी, म्यू एस भी हमें 0.32 दिया हुआ है, जी 9.8 होता है, तो ये 21 मीटर के रेडियस पे वो ऐसे कर सकेगा कर सकेगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।